मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। आप तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर के बैड रोड में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 343 पेटी जब्त की गई है। शराब की कीमत बताई जा रही है करीब 10 लाख रुपए। चालक फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीकानेर जोधासर के सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, एक्सीडेंट का लग रहा प्रथम दृष्टया मामला। परिजनों को पुलिस ने बुलाया, मौके पर सड़क किनारे पैदल चलते वक्त वाहन की टक्कर लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। हत्या कर शव फेंकने के एंगल को भी देख रही है पुलिस। जयपुर ग्रेटर महापौर का पद संभालेंगे शील धाबाई। नगर निगम ग्रेटर कार्रवाई महापौर शील धाबाई आज संभालेंगी पद। सुबह 10 बजे ग्रहण करेंगी पदभार। पहले सुबह 9 बजे पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसे 10 बजे का कर दिया गया था। भरतपुर में रूपवास में ट्रक का कार से भिड़ंत होने से दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। दोस्त के साथ ससुराल से लौट रहा था कार सवार। मृतकों के परिजन सीएचसी पर मौजूद थे। वहीं भरतपुर रोड स्थित गांव उत्तू मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। जयपुर जीकर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, दो ट्रॉले में हुई जबरदस्त भिड़ंत। भिड़ंत के बाद लगी आग में ट्रॉले चालक जिंदा जल गया। दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरमाड़ा थाना पुलिस कर रही है हादसे की जांच। अजमेर में दरगाह बाजार के गेस्ट हाउस में मिले केरल से पहुंचे 16 लोग। केरल से दरगाह आने वाले लोगों की नहीं मिल रही प्रशासन को सूचना। वहीं बगैर कोविड जांच के ये अजमेर पहुंचे थे। मालाबार गेस्ट हाउस पर रुके थे ये सभी यात्री। दरगाह पुलिस ने देर रात्रि में ही सबको क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया है। गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ अब पुलिस महामारी एक्ट में कार्रवाई करेगी। भीलवाड़ा देर रात व्यायामशाला में कर रहे लोगों पर हमला, फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने फायरिंग भी की। हमले में पंकज जाट व गोविंद जाट सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों ने बोलेरो और एक बाइक को आग लगा दी। अन्य कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के पालरी गांव के डांग के हनुमान मंदिर व्यायामशाला की घटना बताई जा रही है। बाड़मेर में एसीबी का हल्ला बोल जारी, एलडीसी 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के बाबू को 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैक किया। चौटन पंचायत समिति के डेलुओ का ताला ग्राम पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं एसीबी ने टेप के बाद आरोपी को चौटन पुलिस थाने में लेकर गई। कई अन्य ठिकानों पर भी दबिश जारी है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जयपुर में कार्रवाई। श्यामनगर इलाके के भी अंदर 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए। तस्करों से 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है। दौसा अवैध बजरी की खान ढहने से एक व्यक्ति की गंभीर रूप से मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिले के बांदीकुई के बड़ियाकला गांव की यह मामला बताया जा रहा है। अवैध बजरी की खनन में एक बार फिर काम कर रहे मजदूरों की जान आफत में आ गई। एक ही मौके पर मौत हो गई और दूसरे रेस्क्यू कर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़19।